हेलो दोस्तों, वेलकम बिगिन टू माय मैसिव इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं राइटिंग मशीन का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूँ। तो गाइज़, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज़, हमारा फर्स्ट पार्ट है कपलिंग। ये 5 mm to 8 mm कपलिंग है गाइज। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज़, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये 390 रुपीज़ में मैंने दो लिए हैं। तो गाइज़, इसका एक पार्ट तो लगता है हमारी स्टेपर मोटर में और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे एक्स एक्सिस की रॉड में लगता है। चलो अपन अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो गाइज़, जो हमारा दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉल बेयरिंग है। मैंने यहाँ पे 5 बॉल बेयरिंग परचेज़ किया है ऑफलाइन मार्केट से। एक की कॉस्ट मुझे 20 रुपीज़ पड़ी है, आपको भी लगभग इतने की पड़ेगी अपने मार्केट में लोकल। तो गाइज़, ये दो तो बॉल बेयरिंग हमें एक्स एक्सिस के लिए चाहिए और दो हमें वाई एक्सिस के लिए चाहिए और एक हमें एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए टोटल हमें 5 बॉल बेयरिंग चाहिएगी। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा थर्ड पार्ट जो है वो स्मूथ स्टील रॉड है। तो गाइज़, आपको स्मूथ स्टील रॉड मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर मिली नहीं थी अपनी लोकल मार्केट में। गाइज़, जो अपना इचिंग हैंड होता है उसको ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हटा के एक स्टील रॉड की तरह यूज़ में ले लिया है। तो गाइस, जैसा कि आप इसे भी ऐसे आइडिया से निकाल सकते हैं स्टील रॉड को, जैसे कि मैंने निकाल लिया ये। तो वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परचेस करनी हो तो वो कर देना। तो गाइस, हमारा फोर्थ पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बोल्ट और एक नट है। तो गाइस, इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है। आपको ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी आराम से। तो मैंने यहाँ पे दो लिए हैं इसे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए, और इसके चार नट। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो गाइस, अगला पार्ट हमारा वुडन ब्लॉक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 वुडन ब्लॉक्स हैं, दो तो एक्स एक्सिस के लिए और 2 वाई एक्सिस के लिए। तो गाइस, जो एक्स एक्सिस के वुडन ब्लॉक्स होंगे थोड़े से बड़े होंगे इन कंपेरिजन टू वाई एक्सिस के। तो गाइस, मैं आपको इनके मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दूंगा। गाइज, आपको सबसे लाइट वेट की वुड यूज़ करनी है इनको बनाने के लिए। तो मैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके मेज़रमेंट स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा अगला पार्ट जो है वो है 5 ml की सिरिंज। तो गाइज, मैंने आप यहाँ पर 2 5 ml की सिरिंज ली हैं। तो गाइज, आप चाहें तो स्लाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइज वो थोड़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिरिंज का यूज़ कर लिया है। तो मैं आपको स्लाइडर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज, आपको यहाँ पे जिप टाई की भी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े बहुत। तो गाइज, आपको थोड़े बहुत यहाँ पे स्क्रू और नट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक 3 इंच की नेल है मेरे पास, आपको इसकी 2 ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 5 6 नेल ले आना और थोड़े बहुत स्क्रू ले आना, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप 2 इंच के नेल ला सकते हैं और थोड़े बहुत स्क्रू भी ला सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज। तो गाइज, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। और गाइज, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको अगला पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। गाइज, आपको मैं अगले पार्ट में एक्स एक्सिस की मेकिंग बता दूंगा, आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। मैं आपको इसके सब पार्ट्स बनाते जाऊंगा पूरी राइटिंग मशीन के। तो गाइज, लास्ट में आपको ACP शीट की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पर MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ACP शीट का यूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल भी होती है MDF बोर्ड से, और ये ज़्यादा स्मूथ भी होती है और ये अट्रैक्टिव भी दिखती है इसलिए। तो गाइज, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर थैंक यू, और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।